अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास सिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है द रिजीम ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी, जो कि 997 से 1030 एडी तक रहे। 997 में ये बादशाह बन गए थे। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द सुल्तान महमूद गजनवी वॉज बॉर्न इन गजनी। गजनी एक जगह है, एक शहर है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर है। He was the son of Ghazni, king of Ghazni named Subuktagin. Subuktagin एक बादशाह था जो कि शहर गजनी का बादशाह था। ये उनके बेटे थे सुल्तान महमूद, और गजनवी नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि गजनी शहर में पैदा हुए थे। He ascended the throne after the death of his father in 997. 997 में ये किंग बन गए क्योंकि इनके जो फादर थे सुबुक्तगीन, उनकी डेथ हो गई। और जब ये किंग बने उस टाइम इनकी एज 30 थी। He was very brave and courageous king. He had attained special skills in the state affairs and military matters. और ये बहुत बहादुर भी थे और इनके पास मुल्क चलाने के स्किल्स भी थे, इन्होंने सीखे। और साथ में इन्होंने जो मिलिट्री मैटर्स होते हैं, जंग जंग के हवाले से जो होती हैं स्किल्स, वो भी इन्होंने सीखी। ही स्पेंट 33 ईयर्स इन वॉर एक्सपेडिशन। और इनकी जो रिमेनिंग बादशाहों वाली ज़िंदगी है, वो इनकी 33 साल ज़िंदगी जो है वो जंग में गुजरी है, वॉर एक्सपेडिशंस में गुजरी है। He invaded India for 17 times and always succeeded. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये है कि इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया। ये अफगानिस्तान से या सब कॉन्टिनेंट इंडिया में आते थे, अटैक करते थे। क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी फ़ौज नहीं थी, तो यहाँ पे ये रहते नहीं थे बल्कि वापस चले जाते थे। जो भी इन्होंने साजो सामान लेना होता था साथ ले जाते थे और वापस चले जाते थे। और लेकिन जब भी 17 टाइम्स इन्होंने अटैक किया है, 17 टाइम्स ये सक्सेसफुल रहे हैं। इसका मतलब है ये अच्छे मिलिट्री लीडर भी थे और साथ में जंगजू भी अच्छे थे। इन स्पाइट ऑफ स्मॉल फोर्स ही ऑलवेज यूज टू रिटर्न टू हिज कंट्री आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, ये वापस चला जाया करते थे। सोमनाथ वॉज अ फेमस सेक्रेट टेम्पल ऑफ हिंदूज। हिंदूज बिलीव दैट ही हु वुड अटैक सोमनाथ हिमसेल्फ विल बी एनिहिलेटेड। हिंदुओं का उस जमाने में एक मंदिर था, टेम्पल था, जिसका नाम सोमनाथ था। अगर आप पिक्चर में देख सकें तो यहाँ पे टेम्पल ऑफ सोमनाथ बना हुआ है। और उस टाइम में हिंदूज़ के लिए ये बहुत ही ख़ास टेम्पल था, ये मंदिर था। और वो ये बिलीव करते थे हिंदूज़ कि जो शख्स इस मंदिर पे अटैक करेगा वो खुद ही तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब महमूद गजनवी ने यहाँ पे अटैक किया तो उसने कामयाबी से इसको कॉन्कर कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। और इसी मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा उसको ख़जाने, सोना, ज्यूल्स, पर्ल्स, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर वगैरह इसको मिला, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें लिखी। डायमंड्स, पर्ल्स, गोल्ड, सिल्वर। वेरियस राजाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विद देयर ग्रेट फोर्सेस केम टू प्रोटेक्ट दिस टेम्पल बट फेल्ड। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बहुत सारे जो राजा थे नॉर्दर्न इंडिया से आए, उन्होंने इसको बचाने की कोशिश की बट प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। द वर्शिपर्स ऑफर्ड ह्यूज वेल्थ ऑफ रबी सो द आइडल्स ऑफ सोमनाथ माइट नॉट बी ब्रोकन बट सुल्तान रिप्लाइड आई एम द ब्रेकर ऑफ आइडल्स नॉट द सेलर ऑफ आइडल्स। अब यहाँ के जो हिंदू थे सोमनाथ टेम्पल को मानने वाले, उन्होंने फिर सुल्तान महमूद को कहा कि काइंडली आप ये हमारे जो बुत हैं इनको ना तोड़ें, आप इसके एवज़ हमसे कुछ पैसे ले लें। लेकिन फिर सुल्तान ने ये रिप्लाई किया, आई एम द ब्रेकर ऑफ आइडल्स, मैं बुत तोड़ने के लिए आया हूँ, नॉट द सेलर ऑफ आइडल्स, ना कि मैं इनको बेचने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने फिर ये तोड़ भी दिया। आफ्टर हिज सक्सेशन सुल्तान महमूद कंसिडरेबली एक्सपैंडेड द गजनवी किंगडम। He also conquered मुल्तान, तुर्किस्तान, सेंट्रल एशिया। और जब सुल्तान महमूद ने सब कॉन्टिनेंट को भी थोड़ा सा अटैक जब किया, 17 टाइम्स कुछ एरिया कैप्चर किया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने अपना जो गजनवी का किंगडम था उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें तुर्किस्तान, मुल्तान, सेंट्रल एशिया ये सारे भी एरियाज उसके पास आ गए। और एक बहुत फेमस कन्फ्रंट्रेशन हुई दो लोगों के दरमियान, एक था जयपाल और एक महमूद गजनवी। और यह अमूमन हम इसका जिक्र भी करते हैं हिस्ट्री में। द हिंदू राजा जयपाल अटैक गजनी एट द टाइम ऑफ महमूद सक्सेशन। जब महमूद गजनवी वहाँ पे था उस टाइम में, एक हिंदू राजा जिसका नाम जयपाल था, उसने गजनी शहर अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया। महमूद वांटेड टू पनिश हिम। महमूद चाहता था, महमूद गजनवी की, मैं उसको पनिश करूँ। इसी वजह से वो फिर इंडिया आया और वहाँ पर पंजाब को उसने इन्वेड कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। और फिर एक बहुत ही वायलेंट वॉर हुई, और उस वॉर के नतीजे में दोनों की बड़ी सख्त किस्म की जंग हुई और जयपाल को शिकस्त हो गई। जब जयपाल को शिकस्त हो गई और उसकी फिर बाद में डेथ भी हो गई, तो उसका बेटा अनंतपाल जो है वो हिंदू राजा बन गया वहाँ उस एरिया का। और फिर वो अपनी 3 लाख
आर्मी फौज के साथ महमूद गजनवी से लड़ने आया, लेकिन फिर महमूद गजनवी ने उसको शिकस्त दे दी, हरा दिया। तो ये उसकी जंगी जो हैं वो सारी इसकी स्टोरीज़ हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ महमूद। अब महमूद गजनवी सिर्फ जंगे नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसकी एक विजन भी था, उसकी एक सोच भी थी कि एजुकेशन आर्ट को भी किसी तरह से प्रॉस्पर करना है और लोगों को बताना है। महमूद गजनवी वॉज द लवर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट, वो एजुकेशन और आर्ट दोनों को बहुत पसंद करता था। ही वर्क रिमार्केबली फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, खास तौर पे पर्शियन लैंग्वेज के लिए उसने बहुत ज़्यादा काम किया। ही इस्टेब्लिश मैनी स्कूल्स इन गजनी, अपने शहर गजनी में उसने बहुत सारे स्कूल बनाए और जो कि एजुकेशन भी और साथ में आर्ट की भी तालीम दिया करते थे। ही हैड मोर देन 400 पोएट्स एंड मैन ऑफ लेटर्स इन हिज कोर्ट, अमंग देम फिरदोजी, हकीम बू अली सीना एंड पीपल लाइक अल बैरूनी। और ये तमाम मशहूर लोग फिरदोजी, हकीम बू अली सीना और अल बैरूनी वगैरह उसके साथ वहाँ पे काम करते थे, और इसके अलावा भी इसके पास तकरीबन 400 के करीब पोइट्स शायर थे। ही मेड अ स्प्लेंडेड लाइब्रेरी इन गजनी, गजनी में उसने एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी भी बनाई, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा एफिलिएशन एजुकेशन के साथ था। गजनी बिकेम अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर इन इस पीरियड, और उसी के दौर के अंदर ये शहर गजनी जो है अफगानिस्तान के अंदर, ये शहर जो है एजुकेशन और लिटरेचर के लिए बहुत मशहूर हो गया। सुल्तान वॉज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, ही बिल्ट अ ब्यूटिफुल मॉस्क इन गजनी, और वहाँ पे ना सिर्फ उसने तालीम के ऊपर काम किया, बल्कि वो आर्किटेक्चर के हवाले से, बिल्डिंग्स के हवाले से बहुत इंटरेस्ट रखता था, और उसने एक मॉस्क बनाई गजनी के अंदर। ही ग्रांटेड स्कॉलरशिप्स टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फिर उसने स्कॉलरशिप्स भी दी स्टूडेंट्स और टीचर्स को। सुल्तान ऑल्सो अपॉइंटेड काजीज फॉर जस्टिस इन एवरी विलेज एंड टाउन, और काजीज होते हैं जज, तो जो फैसला करते हैं अगर किसी भी दो शख्स के दरमियान, लोगों के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान कोई मसला आता है, कोई लड़ाई होती है, तो उनके मामलात को हल करना इंसाफ के साथ वो काजी करता होता है, जिसको आज हम मॉडर्न टर्म्स में जज कहते हैं। ही ऑल्सो वॉच द स्केल्स ऑफ वेट एंड मेयरमेंट्स, और उसने फिर स्केल्स और मेयरमेंट्स का भी हिसाब लगाया अपने उस ज़माने के हिसाब से। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्शियन लैंग्वेज इंक्रीज इन इस पीरियड एंड अरबिक ओनली बिकेम अ रिलीजियस लैंग्वेज, और उस टाइम में महमूद गजनवी ने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी पर्शियन लैंग्वेज को कि फिर जो अरबिक लैंग्वेज थी वो सिर्फ मज़हब के हवाले से रह गई थी, नमाज, रोज़ा, कुरान मजीद, उससे सिर्फ चीज़ें रह गई थी, वरना पर्शियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। इन दैट एज द स्कॉलर एंड ग्रेट साइंटिस्ट अल बैरूनी रोट किताबुल हिंद एंड द फेमस पोइट फिरदोजी रोट शाहनामा। अल बैरूनी रोट इन किताबुल हिंद अबाउट द वेज ऑफ लाइफ एज वेल एज द कस्टम्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर अल बैरूनी ने किताब लिखी किताबुल हिंद, और इसमें से कई बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब अपनी जब स्पीच किया करते थे तो कायदे अल बैरूनी की इस किताब का जिक्र करते थे कि यहाँ पे जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं वो इकट्ठे नहीं रह सकते। और इसके अलावा शाहनामा जो है फिरदोजी ने लिखा था, वो एक मशहूर पोइट है, वो पोइट था और उसने ये चीज़ें लिखी थी। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं गौरी डायनेस्टी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जो कि 1173 से 1206 तक रहे। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द डिमाइज ऑफ गजनवी डायनेस्टी, जब गजनवी डायनेस्टी ख़त्म होगी, महमूद गजनवी चले गए, तो उसके बाद एक नई डायनेस्टी जो हमें नज़र आई वो थी गौरी डायनेस्टी। और इसको गौरी क्यों कहते थे, क्योंकि एक जगह है अफगानिस्तान के अंदर गजनी और हेरत के दरमियान, जो अफगानिस्तान के अंदर दो इलाके हैं उसके दरमियान एक जगह है, उसका नाम है गौर, और गौर से इन लोगों का नाम पड़ गया गौरी। और आज भी आप जानते हो कि हमारे कई कई मिज़ाइलों के नाम गौरी मिज़ाइल और इस तरह के नाम हैं। तो यही जो इनके पहले बादशाह थे सुल्तान शहाबुद्दीन, इनको मुस्लिम रूल हिंदुस्तान में स्टार्ट करने का सबसे पहला शख्स माना जाता है, सबसे पहला बादशाह माना जाता है। इससे पहले जो बादशाह रहे हैं वो मुसलमान ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने इस्लामिक कोई कानून या उस तरह से वो चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की, जबकि शहाबुद्दीन ने एक इस्लामिक रूल शुरू करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से इनको फाउंडर माना जाता है मुस्लिम रूल का हिंदुस्तान में। महमूद गौरी असेंडेड, सॉरी मोहम्मद गौरी असेंडेड द थ्रोन इन 1173 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। द फैमिली बिलोंग टू गौर विच इज़ अ हिली एरिया बिटवीन गजनी एंड हेरत इन अफगानिस्तान, देयर फॉर दे आर कॉल्ड गौरी। जी, जो मैं आपको बातें बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे कि उन गौरी जो डायनेस्टी थी उसके अंदर उन्होंने फिर कौन कौन सी जगहें को कॉन्कर किया, कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग गौरी पीरियड, मुल्तान को इन्होंने कैप्चर किया 1175,
सिंध को इन्होंने कैप्चर किया 1178, पंजाब 1181 और सरहिंद 1191। इसके बाद है फर्स्ट वॉर ऑफ तारियां। फर्स्ट वॉर ऑफ तारियां जो है वो 1191 में हुई थी और ये एक फेमस वॉर है शहाबुद्दीन गौरी के दरमियान और पृथ्वीराज के दरमियान। अ रूलर ऑफ इंडिया पृथ्वीराज अलॉन्ग विद अदर हिंदू राजाज इन्वेडेड सरहिंद टू गेट इट बैक। अब आपको पता है कि सरहिंद के अंदर 1191 में जो हमने कॉन्क्वेस्ट लिखा है, इसी साल के अंदर एक सरहिंद के अंदर जंग हुई पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी के दरमियान। शहाबुद्दीन गौरी कुड नॉट फेस एंड पृथ्वीराज रीऑक्यूपाइड सरहिंद, ही रिट्रीटेड लाहौर एंड फ्रॉम हेयर लेफ्ट फॉर गजनी। अब क्योंकि पृथ्वीराज के पास जंग सॉरी फौज बड़ी थी, उसके साथ बहुत सारे हिंदू राजा भी शामिल थे, तो जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी थे ये उसके सामने उस तरह से फेस नहीं कर सके और ये वापस पहले तो लाहौर चले गए और उससे बाद वापस गजनी चले गए। और एक और भी जंग हुई जो अगले साल ही हुई, सेकेंड वॉर ऑफ तारियां। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फेल्ट मच फॉर द डिफीट ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ तारियां वॉर। नेवरदलेस ही प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर एंड अगेन स्टेप्ड इन द फील्ड ऑफ तारियां 1192। जब पहली बार वो हार गया तो डेफिनेटली किसी भी शख्स को लगता है कि वो दोबारा ट्राई कर सकता है, तो इसलिए सुल्तान शहाबुद्दीन ने दोबारा कोशिश की 1192 में और इस बार वो कामयाब हुए और बड़ी एक ख़ास स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने जंग लड़ी और पृथ्वीराज को शिकस्त दे के उसको कत्ल कर दिया और इस जंग में वो कामयाब हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेजन ऑफ कनूज 1194। मोहम्मद गौरी इन्वेडेड कनूज इन 1194 एंड डिफीटेड राजा जयपाल। राजा जयपाल को 1194 में इन्होंने शिकस्त दी। अचीवमेंट्स हम देखते हैं जल्दी से, क्विकली इनको रिव्यू कर लेते हैं। सुल्तान मेंटेन पीस एंड बिहेव्ड वेल विद द पब्लिक। सुल्तान जो है उसने अमन कायम किया और लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आता था। ही पेड स्पेशल अटेंशन टूवर्ड्स फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और पैसों के हवाले से फाइनेंस पर ख़ास उसकी नज़र रही और एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे उस पर भी इसकी खास नज़र रही। ही मेड मिलिट्री मैटर्स बेटर, और जो मिलिट्री के मैटर्स थे उनको भी उसने बेहतर किया। ही ऑल्सो प्रोटेक्टेड द रोड्स इन द कंट्री, और उसने रोड्स को भी प्रोटेक्ट किया। इन दिल्ली सरमन द रिलीजियस एड्रेस वॉज स्टार्टेड विद हिज नेम, और वहाँ पे दिल्ली के अंदर जब खुतबा दिया जाने लगा तो इसके नाम से शुरू किया जाता था। सुल्तान एस्टैब्लिश्ड अ स्टेबल मुस्लिम गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एंडेड द रूल ऑफ हिंदूज। और इसी गौरी डायनेस्टी से ही आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं की जो एक यहाँ पे हुक्मरानी थी उसको इसने ख़त्म किया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।